नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हनुमान चालीसा का अर्थ फॉर विद्यार्थी या एक साधक, एक लर्नर के लिए है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, प्लीज़ प्रेस दिस एंड मेक इट ऑल। तो अब जब भी मैं वीडियो डालूंगा, आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा YouTube की ओर से और आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज यहां पर कमेंट करना ना भूलें। ये कमेंट करना ही ये दर्शाएगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है। ये एक तरह से आपकी अटेंडेंस है। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड डू कमेंट। थैंक यू। फिर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हे महावीर बजरंगबली, आपका पराक्रम विशेष है। आप कुमति को दूर करते हैं और निर्मल बुद्धि वालों के साथी और संगी हो जाते हैं। अब देखो, एज ए स्टूडेंट हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। चूज योर फ्रेंड वाइजली। जिनकी कुमति है, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो गलत रास्तों पर आसानी से चले जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए? आप देखो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो? जो डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, जो सीए बन गए हैं, उनके साथ में दोस्ती करो ना। बट हम आमतौर पर दोस्ती किसके साथ करते हैं? जो हमारे साथ में पबजी खेलने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा, आपके दोस्त कैसे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, आप कैसे होंगे। तो प्लीज टेक इट केयरफुली। फिर जो अगली लाइन है, कंचन बरन विराज सुबेसा, इसका मतलब क्या है कि वे भगवान राम के दूत हैं, अपरिमित शक्ति के धाम हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले हैं, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं और आपके कान में कुंडल शोभायमान है। आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आप एकदम गोल्डन बॉडी है आपका, और आप सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कानों में आपने कुंडल पहना हुआ है, बाल आपके घुंघराले हैं और आप बहुत सुशोभित, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सब क्या है? तारीफ। तो हम जब भी किसी से मिलते हैं तो कैसे, आपको मान लीजिए उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आप उनके स्वभाव वगैरह से परिचित नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो उनका तारीफ करने के लिए? उन्होंने जो वेशभूषा पहनी हुई है, जिन जैसे वो आपके सम्मुख उपस्थित हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है अरे हम उनको जानते नहीं, हम उनकी तारीफ क्या करें। भाई जो दिख रहा है उसका तारीफ तो कर ही सकते हैं ना। आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपके बाल खूबसूरत हैं, ये सब तो बोल ही सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।